अब जैसे नेपाल के भी कई लोग आते हैं यहाँ पर, वो टेस्ट करते हैं, वो खाते हैं, बोलते हैं बिल्कुल सेम टेस्ट जो वो लोग बना रहे हैं घरों में, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहे हैं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को पूरा किया है नेहरू कॉलोनी के नवीन जी ने। जी हाँ, नवीन जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नवीन जी जहाँ पैंडमिक के दौरान अपनी नौकरी गवा बैठे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने एक नया काम शुरू किया और वो काम था शाफले बनाने का। उन्होंने यहाँ पर एक फास्ट फूड कॉर्नर खोला जिसका नाम था टीपू फास्ट फूड कॉर्नर, और पूरे परफेक्शन के साथ वो देहरादून में शाफले बनाने लगे और उनकी चर्चाएं जो हैं पूरे देहरादून नेहरू कॉलोनी में मची हुई हैं। आप लोग भी उनकी चर्चाओं को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? अरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर शाफले के बारे में नहीं पता है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। शाफले नेपाल की ऑथेंटिक डिश है, नेपाल में तो बल्कि हर घर में ये बनता है, तो वहाँ से जो है उनके वो जो हम वहाँ से वहीं के बना रहे हैं, वहीं की डिश है ये शाफले। हाँ। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। अच्छा, वेज और नॉन वेज दोनों है जी, जी। आपके पास भी दोनों मिल जाएंगे? हमारे पास भी दोनों ही अवेलेबल है। आपने कौन सा शाफले टेस्ट किया? चिकन शाफले। कैसा लगा आपको? अच्छा था, टेस्टी तो लगता ही। टेस्टी लगता है आपको? देहरादून में आपने कहीं और भी खाया शाफले? नहीं, तो आपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखा है ये शाफले। तो और आप पहले जो है आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे। ये जो है मैं और मेरी वाइफ मिलकर करते हैं काम। अच्छा, तो आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ घर पे है, वो हाफ डन करके वहाँ से देती है मेरे को और मैं यहाँ पर आकर। अच्छा, अच्छा, मतलब आपकी जो बेटर हाफ है वो पूरा आपको सपोर्ट कर रही है। क्रिस्पी है, मतलब कि स्पाइसी भी है थोड़ा, और काफी खाने में अच्छा है। अच्छा है। देहरादून में कहीं और खाया शाफले? नहीं जी। अंदर की स्टफिंग बताओ जरा। स्टफिंग भी काफी अच्छी है, मतलब कि सॉफ्ट है अब, और मतलब कि बस क्या है, क्या है? क्या कहे, लाजवाब है बस। लाजवाब। चलो, मैं रोज आकर खाता हूँ। रोज खाते हो जी। अच्छा, आपके पास शाफले के अलावा क्या और क्या क्या है? हमारे पास मोमो है, स्प्रिंग रोल है, चिली पोटैटो है, चाउमीन है। अच्छा। और चिकन चिकन मोमो है। ठीक है। हनी चिली पोटैटो है। अच्छा नवीन जी, आप ये कब से यहाँ अपना ये लगा रहे हैं काउंटर? हमें 6 महीने हो। 6 महीने लॉकडाउन के बाद जैसे काम की थोड़ा सा सिचुएशन कमी हो गई थी, तो फिर देहरादून में आकर मैंने ये काम शुरू किया। रिस्पांस अच्छा है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। नहीं, देखने में भी अच्छा है, काफी क्रिस्पी है। ये क्रिस्पी होता है। अच्छा, और इसके साथ हम आपकी किस चीज के साथ सर्व करेंगे इसे? इसके साथ इसको जो है पहले हम प्लेट पे रखते हैं, इसके साथ हम प्याज डालते हैं, प्याज अनियन इसको हम पहले बीच में से कट करते हैं। अच्छा, बीच में से ये कट होगा? कट करते हैं। स्टफिंग देख सकते हैं कितनी लाजवाब है। इसे लाल चटनी के साथ ऊपर से इनका स्पेशल सीक्रेट मसाला और थोड़ा सा मेयोनीज डाल के सर्व किया जाता है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और फिलिंग जो थी बिल्कुल मोमोज से डिफरेंट थी। खा के समझो मज़ा ही आ गया। चटनी के साथ तो समझो मुँह में ब्लास्ट होने लगा था। हमने इनकी एक और चीज़ ट्राई करी, वो थी मंचूरियन। मंचूरियन की ग्रेवी जो थी वो कमाल की थी। सारे जो फ्लेवर्स थे वो एकदम बैलेंस थे, और ये मंचूरियन की जो बॉल थी ये इतनी सॉफ्ट, अंदर से पूरी पकी हुई ग्रेवी में डिप करने के बाद इसका जो टेस्ट था वो दुगना हो गया। गरम गरम खाया तो समझो कि मज़ा आ गया। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में जॉब करता था। ठीक है, तो लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से फिर यहाँ पर आना पड़ा थोड़ा सा, तो फिर वहाँ पर काम नहीं था, तो अब मैंने ये सीखा, मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा लगा, और लोगों से ये पूछा तो उन्होंने भी जो इसके अलग अलग तरीके से रेसिपी बताई, फिर वहाँ के जो लोग हैं उनसे सीखा। अच्छा, ये मतलब नेपाली डिश है जी? तो मतलब आपने जो मेन नेपाल के लोग थे उन्हीं से ही? हाँ, उन्हीं से ही सीखा है। सीखा है, ताकि मतलब जो प्रॉपर वे है इसका, असली तरीका है बनाने का जी, वो आपको आ जाए। लोगों को पता चल रहा है, वो खा रहे हैं तो फिर वो बार बार आ रहे हैं, क्योंकि एक बार उनको टेस्ट पता चल रहा है, क्योंकि कई यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि शाफले है क्या। शाफले है क्या? मैंने खुद पहली बार सुना है शाफले।
इसलिए एक बार पहले खा रहे हैं लोग, उसके बाद फिर रिपीट कर रहे हैं वो। बहुत ही टेस्टी है मंचूरियन। मंचूरियन अच्छा है? हाँ जी, पहली बार खाया है यहाँ पर, इतना अच्छा मंचूरियन। ओके, और यहाँ पे साफले भी मिलता है, वो भी ट्राई करिएगा। ओके, क्योंकि देहरादून में कहीं नहीं मिलता है। टेस्टी है, यम्मी, एकदम बहुत अच्छे हैं। अच्छे, नेहरू कॉलोनी की फेमस मंचूरियन।